हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में। HSSSC की वेबसाइट पर CT एग्जाम को लेकर ग्रुप और के मेंस एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स की रोल नंबर लिस्ट जारी करने के बाद अब कट ऑफ को लेकर विवाद हुआ है कि फाइनल आंसर की में उम्मीदवारों के नंबर ज्यादा बन रहे हैं। और इसके अलावा ग्रुप सी की जिन पोस्ट्स के लिए PMAT होना है, PMAT की कट ऑफ बहुत ज्यादा दे रखी है, परंतु कट ऑफ से कम नंबर वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर भी PMAT शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको डिटेल से बताते हैं कि क्या मामला है। आज के न्यूज़पेपर में आई इस न्यूज में यह बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी कट ऑफ आंसर की और रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद काफी अभ्यर्थी परेशान। एक्स सर्विसमैन EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों का आरोप, आयोग ने ठीक नहीं किया। सब कैटेगरी अनुसार CT स्कोर, फादरलेस और परिवार में सरकारी नौकरी होने के कारण अंक छोड़ना चाहते हैं काफी अभ्यर्थी, मगर आयोग मौका नहीं दे रहा। कट ऑफ अनुसार कैटेगरी में अलग अलग गुना अभ्यर्थी बुलाने का आरोप। दो बार कट ऑफ जारी हुई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के 23,354 अभ्यर्थियों का CT स्कोर रिवाइज किया। आयोग ने फाइनल आंसर की भी जारी कर दी। ग्रुप 56-57 की कट ऑफ भी जारी कर दी। PMAT में कैटेगरी अनुसार भी कट ऑफ जारी कर दी। इसके बावजूद काफी अभ्यर्थी आयोग से परेशान है। एक्स सर्विसमैन और EWS कैटेगरी समेत अन्य के कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने सब कैटेगरी अनुसार CT स्कोर सही नहीं किया। कुछ ने कहा है कि उन्होंने फादरलेस के मिले अंक कटवाने के लिए आयोग के पास आवेदन किया, मगर उनके अंक नहीं काटे जा रहे हैं। कुछ सरकारी नौकरी होने के कारण अंक छोड़ना चाहते हैं, मगर उन्हें आयोग मौका नहीं दे रहा है। कुछ का आरोप है कि उन्होंने अंक छोड़ने का आवेदन किया, मगर आयोग ने फिर भी अंक नहीं काटे। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने ग्रुप 56-57 की दो बार कट ऑफ जारी की। दूसरी बार कट ऑफ जारी की तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुला लिया। उन्होंने कहा है कि ग्रुप में कैटेगरी और सब कैटेगरी अनुसार कट ऑफ जारी की जानी चाहिए, जैसे PMAT में जारी की है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। नहीं, किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी बुलाए हैं, उनके नाम, रजिस्ट्रेशन और CT स्कोर सार्वजनिक किया जाए। कट ऑफ को लेकर यह आपत्ति जताई है कि सर, मैंने EWS से ही फॉर्म भरा था और रिजल्ट भी EWS में आया था, फिर मैंने वेरीफाई भी किया, लेकिन अब डिटेल्ड रिजल्ट में जनरल आया, फिर मैंने HSSSC में एप्लीकेशन दी तो ठीक नहीं हुआ। मैं संदीप कुमार, BCA MCOM 60% प्लस NCC सर्टिफिकेट, मेरे 71 उत्तर ठीक हैं, मतलब 67.45 अंक बनते हैं 95 में से, मगर मुझे दिए 63.8 अंक। अगर कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा थी तो जनरल के बराबर क्यों की, ताकि जनरल की सीट पर दूसरे कैंडिडेट्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सिलेक्शन की। मेरे 64.35 नंबर EWS से हैं, नहीं मिलेगा मौका। सर, मैंने और भी कम कर सकते थे जैसे कैटेगरी की है। मेरे फ्रेंड ने 5 नवंबर 2022 की एक शिफ्ट में पेपर दिया था, लेकिन मेरे फ्रेंड के 3.5 नंबर नॉर्मलाइजेशन से मिल गए, लेकिन मुझे नहीं मिले। इस बात को मैंने दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मेल किया, लेकिन HSSSC ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जिनका CET क्वालिफाई उस लिस्ट में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका 4 गुना लिस्ट में कैसे आ गया? यकीन नहीं होता तो मिलाकर देख लो सर। एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैं बताता हूँ, सिर्फ यह नहीं है, और भी हैं ऐसे। कोई मतलब नहीं है इस कट ऑफ का। इन्होंने तो BC कैटेगरी को जनरल बना दिया, हर कैटेगरी में अलग रूल लगा दिया इन्होंने। जनरल में 5-6 गुना, EWS में 10-13 गुना, BCA में 8-9 गुना, BCB में 10 गुना, SC में 4-5 गुना। कोई पूछे कि क्या मजाक बना रखा है इस पॉलिसी का। फेयर भर्ती करें बाय रूल पॉलिसी। सर, जनरल या SC कैटेगरी के अलावा सभी कैटेगरी में 7-8 गुना बच्चे बुलाए हैं, अब कैसे गेम के बीच में रूल चेंज कर दिया? सर, मेरी कैटेगरी भी ठीक नहीं की। मैं पहले EWS में था, लेकिन अब जनरल में हूं। बस जिनके अंक से नीचे थे, बस उनकी ही कैटेगरी चेंज की है, सभी की नहीं। ये वास्तव में उत्पीड़न है। तब मैं उत्पीड़न, मैंने हरियाणा सरकार के विभाग में नौकरी करने का प्रमाण पत्र अपलोड किया था, मगर मुझे उसके 2 अंक नहीं दिए। अब कट ऑन ऑफ के कारण मेरा नंबर नहीं आया। मैंने पिता जीवित होने के कारण फादरलेस के मिले अंक कटवाने के लिए 2 बार आवेदन किया, मगर मेरे अंक नहीं काटे गए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।